अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बहुत ही यमी से बच्चों को पसंद आने वाले चिकन नूडल्स कटलेट बना रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं, आपको बताते भी जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप चिकन लिया है, इसे बॉईल करके श्रेड किया है। बॉईल करने का तरीका स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं। तो आधा चिकन को हमने यहाँ पर श्रेड करके रख लिया है। मसाले कुछ इस तरह से जाएंगे। मैगी का जो टेस्ट मेकर होता है वो हमने एक पैकेट ले लिया है। यहाँ पर हमने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला लिया है। एक मीडियम साइज के लिए है प्याज, दो लाइट ग्रीन कलर के लिए हरी मिर्च, उनको बीच से स्लिट करके बारीक कट कर लिया है। चिली फ्लेक्स लिए हैं एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच चाट मसाला, एक चाय का चम्मच नमक और भुना कुटा जीरा लिया है हमने आधा चाय का चम्मच। पुदीना लिया है एक मुट्ठी भर के। दो मीडियम साइज के आलू बॉईल करके इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। और एक पैकेट में दो स्लाइस होते हैं मैगी के नूडल्स के, तो उनको हमने 3 मिनट बॉईल करके पानी ड्रेन करके इसको ठंडा कर लिया है। तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने चिकन में मिक्स कर लेना है। तो चलें इनको हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डाल दिया हमने पुदीना। बॉईल किए हुए नूडल्स हम इसमें डाल देंगे। ये ठंडे होने के बाद थोड़े टाइट हो जाते हैं। अब इसका टेस्ट मेकर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जीरा, नमक, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्च, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और जो बॉईल किए हुए आलू हैं इन्हें भी आपने इसमें ही डाल देना है। और अब इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे लगता है कि बाउल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं और इस फिर इसमें मिक्स करते हैं। बैटर हमारा बनके रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम स्पाइसी है। यहाँ पर हमने थोड़े से ब्रेड क्रम ले लिए हैं, ये हमारे घर के ही बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च ले लिया है यानी कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम स्लरी बना लेंगे पतली सी इसको कोट करने के लिए। अगर आप चाहें तो अंडे में भी डिप करके इसको कोट कर सकते हैं। चिकन हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि चिकन हमने बॉईल किया था स्टार्टिंग में ही और चिकन का हम ये आइटम बना रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें चिकन स्किप कर सकते हैं। तो चलें ये अच्छे से रेडी हो गया। चम्मच अभी हम साइड में ही रखते हैं क्योंकि इसकी मिक्सिंग में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है तो कॉर्न स्टार्च नीचे बैठने लगता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करते रहेंगे। तो चलें कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कटलेट बनाना हम शुरू कर रहे हैं। हाथ को आप गीला कर लें, चाहे ऑयल से चाहे पानी से, और जितना बड़ा आपने कटलेट बनाना है उतना अमाउंट ले लें आप। एक लड्डू जितना ले लें बस काफ़ी रहेगा क्योंकि कोट भी करना है इसको हमने। तो अच्छे से टाइट करते हुए आप इसको कबाब का शेप दे लें इस तरह से। एक दो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने बनाने हैं, वैसे ही आपने सब बना लेने हैं। माशाल्लाह आप सब समझदार हैं और आजकल यूट्यूब की वजह से तो सभी स्मार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से डिप करेंगे और डिप करने के बाद इस तरह से ब्रेड क्रम में आप अच्छे से इसको सब साइड से कोट कर लें। थोड़ी थोड़ी प्याज कभी कभी निकल जाएगी तो मसला नहीं है। तो देखें इस तरह से आपने बना लेना है। एक हम आपको और बता देते हैं, जो प्याज आपकी अगर निकल जाए तो वापस आप इसमें डाल दें। हाथ को वापस से गीला करेंगे। वैसे ही हम एक लड्डू जितना ले लेंगे अमाउंट। बनाने में तो बिल्कुल भी मसला नहीं है क्योंकि नूडल्स की वजह से, आलू की वजह से काफ़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है इसमें। और चिकन जो पसंद करते हैं उनके लिए चिकन भी आ गया, आलू भी आ गया, नूडल्स भी आ गए, उसका टेस्ट मेकर भी आ गया, काफ़ी सारे फ्लेवर्स आ गए हैं इसमें। चलें ये हो गया, कॉर्न स्टार्च में डिप करेंगे,
डिप करने के बाद वापस हमने वैसे ही इसको कोट करना है सब साइड से अच्छे से। थोड़ा सा प्रेस कर दें इस तरह से, ऊपर से थोड़ा सा डाल दें, बस हल्की हल्की ही कोटिंग आएगी और यमी से ये क्रिस्पी से नूडल्स कटलेट आपके चिकन वाले बन के रेडी होंगे। तो देखा, ऐसे ही हम सारे बना के रेडी करके आपको दिखाते हैं। कटलेट बन के हमारे फर्स्ट क्लास रेडी हो गए हैं। इसे अब आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, और उसके बाद आपको इसको फ्राई करके दिखाएंगे। जितने आपने फ्राई करना हो फ्राई करें, बाकी आप आराम से इसे एक हफ्ता तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलें इसको रख देते हैं हम फ्रिज में। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, ये कटलेट्स को हमने शेलो फ्राई करना है। ऑयल हमारा मीडियम हीट पे गर्म हो चुका है, तो चलें इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। मीडियम हीट पर ही आपने इनको फ्राई करना है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसको धीरे से टर्न करें, दोनों साइड से अलट पलट करके हमने गोल्डन सा फ्राई करना है, जैसे कि हम कबाब फ्राई करते हैं या और भी कोई कटलेट्स फ्राई करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह से ही आपने इनको फ्राई करना है। एक साइड से कटलेट सिक चुके हैं, चले इनको टर्न कर लेते हैं। आपसे एक बात और शेयर करना थी कि अगर आपके यहाँ बच्चों को प्याज बड़ी पसंद नहीं है तो इसको आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मिक्स करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि प्याज थोड़ी स्लाइस में इसमें हमने चॉप करके ही डालना चाहिए थी। तो लेकिन खैर मेरे यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सब तरह से चल जाता है, लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं उनको लंबी प्याज में थोड़ा मसला आता है। तो आप एकदम बारीक चॉप करके इसमें डालें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारीक आप चॉपर में चॉप करें तो प्याज का जो पानी है वो आपने निकाल देना है और फिर इसमें डालना है। तो चलें देखें कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। बस ऐसे ही आपने दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन सा सेक लेना है। तो लीजिए नाजरीन, ये चिकन नूडल कटलेट बनके रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, आसानी आप इसे अपने घर में बना सकते हैं, एज ए स्नैक्स भी बना सकते हैं और अफ्तार में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो नाजरीन आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।